राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश को मजबूती प्रदान करने हेतु हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हुसैनाबाद के पूर्व विधायक एवं हमारे बड़े भाई संजय कुमार सिंह यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल का कमान सौंपा है। इसके लिए हम प्रदेश अध्यक्ष बनने पे बड़े भाई संजय कुमार सिंह यादव जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देते हैं। इसके साथ ही गोड्डा के पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई संजय प्रसाद यादव जी को प्रधान महासचिव का कमान सौंपा गया है, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देते हैं। और हम इनसे अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल इनके नेतृत्व में एक झारखंड में परचम लहराएगा और आगे की ओर जाएगा। आइए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड से जुड़े। हम लोग के लोकप्रिय पार्टी के झारखंड के लोकप्रिय नेता, गरीबों किसानों मजदूरों के नेता, गरीब का बेटा आदरणीय श्री खीरू महतो जी निर्विरोध रूप से आज झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किए गए हैं। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आदरणीय श्री खीरू महतो जी के नेतृत्व में जो आने वाला जो 2024 और 2025 का लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें आदरणीय श्री खीरू महतो जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड झारखंड में प्रतिनिधित्व और परचम लहराने का काम करेगी, ये पूरा विश्वास है हम लोगों को। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की किडनी का सफल प्रत्यारोपण सिंगापुर के एक अस्पताल में हो गया है। किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव फिलहाल आईसीयू में हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव की ओर से लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने की अपील की गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में लालू प्रसाद यादव का ऑपरेशन किया गया। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार ऑपरेशन थिएटर के बाहर ऑपरेशन की सफलता और उनकी सलामती की दुआएं मांग रहा था। बेटी रोहिणी आचार्य के सफल ऑपरेशन के बाद उनकी ही बेटी मीसा भारती ने यह जानकारी दी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर ऑपरेशन के सफल होने की भी बातें लोगों को कही। इससे पहले लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने छोटी बहन रोहिणी आचार्य की सफलतापूर्वक सर्जरी की जानकारी दी। मीसा भारती ने ट्वीट कर बताया था कि छोटी बहन रोहिणी का डोनर का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है, वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अभी आईसीयू में हैं, अभी पापा का ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, बेटे तेजस्वी यादव समेत पूरा परिवार मौजूद था। सभी बेसब्री से ऑपरेशन के कामयाब होने का इंतजार कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव का ट्रांसप्लांट के लिए रविवार की देर रात ही उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। रोहिणी ने इसकी तस्वीर भी शेयर की थी। लालू प्रसाद यादव को अस्पताल में पहले ही शिफ्ट कर लिया गया था। रोहिणी की किडनी अभी 90-95% तक काम कर रही है। वहीं लालू प्रसाद यादव की दोनों किडनी 28% ही काम कर रही है। ट्रांसप्लांट के बाद ये लगभग 70% काम करने लगेगी। ऐसे में राजद के नेताओं ने लालू प्रसाद यादव के स्वस्थ होने की कामना की है। मुखर संवाद के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान,
देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।